सो चलन एवरीबडी नोस कि विद इन एन ईयर आप अपनी डेट्स पे कर पाएंगे कि नहीं. दिस इज टोल्ड टू अस बाय अ ग्रुप ऑफ रेशियोज विच इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी रेशियोज. होते तो इसमें छह रेशियोज हैं बट आपके सिलेबस में सिर्फ दो थे. वी हैड करंट रेशियो विच टेल्स अस विद इन एन ईयर वील बी एबल टू पे द डेट्स और नॉट. क्विक रेशियो विल टेल अस विद इन अ मंथ we'll be able to pay debts or not. इतनी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. But now we need to understand that within a period of 4-5 years, we'll be able to repay the debts or not. This would be told to us children by the next category, which is called as solvency. So the word solvency means ability to meet the contractual obligations. एक शब्द में बोले तो liability. Towards the stakeholders. Stakeholders का मतलब people who have interest in the business. Creditors हो सकते हैं, debenture holders हो सकते हैं. Particularly towards external stakeholders. अब सर ये external stakeholders कौन से होते हैं? Shareholders जो होते हैं वो internal stakeholders होते हैं. Debenture holders जो होते हैं वो external stakeholders होते हैं. And children, ratios are calculated to measure long-term paying capacity. इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए. So moving a bit back to the chart, children, where we did the classification. मिल गया आपको? Yes. Children, debt equity ratio दो बातें बताता है. कितना पैसा debenture holders का है और कितना पैसा shareholders का है. How much money the owners have contributed? How much money the outsiders have contributed? सबको पता है. ये हमने एक नहीं 10 बार बताया है. अगर किसी कंपनी में सिर्फ शेयर कैपिटल है, debentures नहीं है, तो वो कंपनी अच्छी होगी. या डिबेंचर और शेयर कैपिटल दोनों है, दैट कंपनी वुड बी गुड. या डिबेंचर का प्रपोर्शन ज्यादा और शेयर कैपिटल का कम, दैट वुड बी गुड. ये डिपेंड करता है. गॉट इट क्लियर? सो हमने एक एनालिसिस किया था एक्स वाई जेड वाला, अगर आपको याद हो. एंड वी केम डाउन टू द कंक्लूजन कि टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी कंपनी में है, डेट का प्रपोर्शन कंपेरेटिवली शुड बी मोर देन इक्विटी. तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स का बेनिफिट ज्यादा होता है. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? टोटल असेट टू डेट रेशियो, ये भी एक कैटेगरी है. इसमें ये क्या बताएगा बाद में पढ़ेंगे, बट मैं आपको समरी बताता हूं. टोटल असेट्स आपकी कंफर्टेबली सेल होने के बाद डिबेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट किया जा सकता है या नहीं. आई रिपीट चिल्ड्रन, आफ्टर सेलिंग द टोटल असेट्स, नॉन करंट करंट बोथ, हम डिबेंचर होल्डर्स को कंफर्टेबली पे कर सकते हैं या नहीं. अब इसमें एक बहुत बड़ा कैच है. कभी कभी क्वेश्चन आपसे टोटल असेट टू डेट रेशियो पूछेगा, कभी कभी टोटल डेट टू असेट रेशियो पूछेगा. आईसी के सिलेबस में टोटल डेट टू असेट लिखा है, सीबीएसई के सिलेबस में टोटल असेट टू डेट लिखा है. सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फर्क है. ओके, व्हेन इट इज टोटल असेट टू डेट, असेट अपॉन डेट करोगे. व्हेन इट इज डेट टू टोटल असेट, आप डेट अपॉन टोटल असेट कर दोगे. गॉट इट क्लियर? देन प्रोप्राइटरी रेशियो. सर ये शब्द जाना पहचाना लग रहा है. द वर्ड प्रोप्राइटर चिल्ड्रेन originates from the word owner. And who is the owner in the company? Shareholder. Assets are sufficient enough to pay to the shareholders or not. So this ratio, the first one will tell us how much contribution is of the owners and how much contribution is of the outsider. Logic samajh mein aa gaya? Total asset to debt or total debt to asset will tell us that assets are sufficient enough to pay to the so-called debenture holders or borrowings or not. Proprietary ratio will tell us assets are sufficient enough ki hum shareholders ko unhe bechne ke baad assets ko shareholders ko payment kar payenge ki nahi. Logic samajh mein aa gaya? Yes. And sir, what is this? Aapki interest pay karne ki capacity kitne times hai? Start jab humne kiya tha children chapter, to humne is cheez ko padha tha agar logon ko yaad ho to. मैंने टाटा और मारुति का एग्जांपल लिया था. एक कंपनी की कैपेसिटी 1100 समथिंग टाइम्स थी, एक की कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम थी. तो वी केम टू नो कि हम इन्वेस्ट वहां पे करेंगे जिसकी पेइंग कैपेसिटी, इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी बेटर होगी. सो लेट स्टार्ट इन दिस कैटेगरी चिल्ड्रन. द फर्स्ट रेशियो विच इज कॉल्ड एज डेट इक्विटी. बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेना है? नो 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 नो. एनसीएल के अंडर में आने वाली चार चीजें, चारों लेंगे
बट आपके सिलेबस में बैलेंस शीट में दो थी, बट रेशियो के क्वेश्चन में तीन मिलेंगी आपको। कौन कौन सी तीन? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दुल्हन की मांग का सिंदूर हमेशा रहेगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड कभी कभी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या बोरोइंग्स आपको लिख के आएगा क्वेश्चन में। तो कंफ्यूज जरा भी मत होइएगा, बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट बन के आएगा। चार क्वेश्चन करने के बाद अपने आप समझ में आता है किसमें क्या आना है। जस्ट रिमेंबर दैट चूरन, क्योंकि चूरन से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। कैसे? अभी हम लिखेंगे, नॉट टू वरी। आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में चिल्ड्रन कुछ काम कर लीजिए। आप कहेंगे सर लिखा तो है, व्हाई टू डू इन क्लास वर्क कॉपी, लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्विकली चिल्ड्रन, क्विकली पुट द हेडिंग डेट इक्विटी रेशियो। पुट द हेडिंग चिल्ड्रन डेट इक्विटी रेशियो। राइट द फॉर्मूला, आई एम पुटिंग इट ऑन द स्क्रीन। डेट अपॉन इक्विटी debt upon equity and then put it children as I am putting it. We have long term borrowings plus long term provisions plus other long term liabilities. Heard well? And in the denominator section children, equity share capital plus preference share capital plus net reserves and surplus. People may ask me, sir, what is this net reserves and surplus? Children, reserves and surplus mein jab aap so called minus kar denge apne losses written off, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड ऑल, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स रिटन ऑफ, तो आंसर आएगा नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस। आई एम जस्ट फ्रेमिंग दैट चूरन फिनोमेना हियर, जिससे हमको पता लगेगा हाउ वील बी नोइंग द फॉर्मूलाज। आप भी इस चूरन को कॉपी कर लीजिए। शेयरहोल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, देन करंट लाइबिलिटीज, वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज टोटल नॉन करंट असेट्स इंक्लूडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, करंट असेट्स एंड व्हाट वी हैव इज द टोटल। कॉपी दिस मच क्विकली चलो। तो शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल। इज दैट अंडरस्टूड वेल? प्लीज कॉपी दिस वन। दिस इज द बेसिक्स ऑफ द नेक्स्ट थ्री रेशियोज जो आप इस कैटेगरी में पढ़ेंगे। चलिए, as I've drawn two columns, I request people to draw these two columns alone. Left mein long term debts aur right mein shareholder funds. So we'll be framing multiple formulas. Sabse asaan formula hai long term borrowings plus long term provisions plus other long term liabilities. Second formula, NCL में आप जितना लिखते हैं लगभग सब कुछ। थर्ड फॉर्मूला, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चिल्ड्रन, इफ आई टोटल शेयरहोल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, व्हाट आई गेट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, यस और नो? चिल्ड्रन यस और नो? आप इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो, कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों का टोटल है और मेरे को सिर्फ एनसीएल चाहिए, तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस कर दूं तो एनसीएल आ जाए? शेयर होल्डर फंड्स। हर्ड वेल? हर्ड वेल चलो। देन चिल्ड्रन, आपने सुना होगा इसके बारे में भी,
नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी इन दोनों को टोटल करते थे तो वी यूज टू गेट व्हाट? टोटल डेट। आप टोटल डेट में से सीएल को माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट योर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ई फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आपने पहले भी फ्रेम किए हुए हैं। टोटल ऑफ लाइबिलिटी दैट इज दिस वैल्यू। चिल्ड्रन सुनाई पड़िए, इसमें से आप शेयर होल्डर फंड्स उड़ा दीजिए और करंट लाइबिलिटी उड़ा दीजिए, क्या मिलेगा आपको? टोटल ऑफ लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स और करंट लाइबिलिटी दोनों को उड़ा दीजिए, क्या बचेगा? सिंपल एज दैट। फॉर्मूला जी, ओ सॉरी सॉरी एफ। चलन, व्हाट्स एवर इज द टोटल ऑफ लाइबिलिटी, डेफिनेटली दैट्स द टोटल ऑफ असेट्स एज वेल। तो अगर असेट का टोटल पता है तो सेम इज द टोटल ऑफ लाइबिलिटी। आप इन दोनों को उड़ा दीजिए, आपको क्या पता लग जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। देन वी हैव फॉर्मूला एफ के बाद जी। टोटल ऑफ असेट इज चिल्ड्रन नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट, उसके बाद सीएल और शेयर होल्डर फंड्स को माइनस कर दीजिए तो भी आंसर वही आएगा। द ओनली डिफरेंस इज मैंने यहां पे नॉन करंट असेट और करंट असेट जो लिखा है, हेयर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? टोटल असेट। फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया। फॉर्मूला एच क्या होगा? एच फॉर्मूला भाई सिंपल है, एकदम सिंपल। नॉन करंट असेट चिल्ड्रन, एंड इफ आई से व्हाट इज सीए माइनस सीएल, ये आंसर आपको आता है वर्किंग कैपिटल, होमवर्क किया होगा आपने, प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस एसएफ। बन रहे हैं अपने आप फॉर्मूले। देन चिल्ड्रन आई पार्ट, थोड़ा सा सो कॉल्ड इसी फॉर्मूले को एक्सपैंड कर देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का टोटल होता है, तो चिल्ड्रन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है माइनस व्हाट हैव आई रिटन? शेयर होल्डर फंड्स में क्या चीज आती है यहां पे लिख लेते हैं, शेयर कैपिटल प्लस नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस। सुनाई पड़ा है? तो शेयर कैपिटल एंड नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस को आप एडजस्ट कर दीजिए तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस होने के बाद लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएगा। हर्ड दिस वेल? सो हाउ मेनी फॉर्मूलाज हैव आई फ्रेम्ड? 9 करोड़ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चूरन याद रखना है, दैट्स इट चिल्ड्रन, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन नोट शीट में शायद 5 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बट हमने यहाँ कितने बना लिए? 9। लॉजिक समझ में आया? पीपल माइट से कि सर फिर नोट्स इनकम्प्लीट है। नोट्स इनकम्प्लीट नहीं है, वो जान पूछ के इनकम्प्लीट लिखे गए हैं, कि एडवांटेज उसी को मिले जो क्लास अटेंड कर रहा है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? सो प्लीज अपडेट दिस चिल्ड्रन वेरी फास्ट। सिमिलरली वील बी फ्रेमिंग फॉर्मूलाज फॉर शेयर होल्डर फंड्स। तो लेट सी हम कितने फॉर्मूलाज फ्रेम कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले एकदम सिंपल फॉर्मूला, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये था पहला फॉर्मूला। देन चिल्ड्रन इफ आई से दैट टोटल ऑफ लाइबिलिटी, तो नहीं पहले कैपिटल एम्प्लॉयड से बनाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप नॉन करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दीजिए, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड इज द डुओ ऑफ दीज टू, आप एनसीएल को उड़ा दीजिए, क्या बचेगा आपके पास? शेयर होल्डर फंड्स बचेगा। देन टोटल ऑफ लाइबिलिटी इज गिवन टू यू, आप उसमें से सीएल एज वेल एज एनसीएल को उड़ा दीजिए। अगेन टोटल ऑफ लाइबिलिटी इज गिवन टू यू, व्हाट इज द टोटल ऑफ सीएल एंड एनसीएल कॉल्ड एज? टोटल डेट। आप टोटल डेट को उड़ा दीजिए। कुछ लोग सोचेंगे सर टोटल ऑफ लाइबिलिटी माइनस टोटल डेट जीरो आ जाएगा आंसर। टोटल ऑफ लाइबिलिटी मीन्स टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड, टोटल डेट मतलब जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हमको करने हैं,
देन टोटल ऑफ लाइबिलिटी इज एज गुड एज चिल्ड्रेन, टोटल ऑफ असेट्स, इसमें से आप सी एल एज वेल एज एन सी एल हटा दीजिए, और अगर आप सी एल और एन सी एल की जगह टोटल डेट भी लिखना चाहते हैं तो काम चल जाएगा, टोटल ऑफ असेट्स माइनस टोटल डेट, फॉर्मूला जी। असेट्स को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट इज टोटल असेट माइनस चिल्ड्रन करंट लाइबिलिटी, माइनस करंट लाइबिलिटी, और उसके बाद माइनस कर दीजिए आप नॉन करंट लाइबिलिटी, फॉर्मूला एच। नॉन करंट असेट एज इट इज लिख लेते हैं, व्हाट इज चिल्ड्रन सी ए माइनस सी एल, वेरी गुड वेरी गुड। सो प्लस सी ए माइनस सी एल इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल एंड माइनस एन सी एल, बन गया फॉर्मूला। क्विकली अपडेट दिस, क्विक। तो इन सब फॉर्मूले में किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चूरन याद होना चाहिए, बस सिर्फ इतना याद कर लिए चलन, पंच तत्व में विलीन हो जाइए, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट, काम खत्म, बस इतना याद कर लीजिए और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन ऑल्सो फ्रेम दीज फॉर्मूलाज जस्ट वेन आई सी दिस, लॉजिक समझ में आ गया, इसको बगैर देखे मेरे को ये इनमें से एक भी फॉर्मूला आज तक याद नहीं हो पाया, तो ऑलवेज रिमेंबर द बेसिक इज दिस चिल्ड्रन, लॉजिक अंडरस्टूड। चलिए, सो जस्ट सी, यहाँ पे तो आपको चार चार पांच पांच फॉर्मूले नजर आए, बट हमने 8-9 बना लिए थे, तो नोट्स आर नॉट इनकम्प्लीट, ये सिर्फ एक एग्जेम्पलरी व्यू है, that whensoever a question comes, please, 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 do not have the habit of putting these formulas. ये फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे आपको, मैं आपसे करोड़ रुपए की बेट लगा सकता हूँ, बस वो पांच चीजें याद कर लीजिए, SF, NCL, CL, total, NCA and CA. जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया होगा जस्ट पुट इट एंड यू विल गेट द नोन आइडेंटिटी। चले आगे, चलो मान लीजिए कि डेट इक्विटी रेशियो आपने कैलकुलेट करना है और फॉर्मूला है सिंपल, मैं लिख रहा हूं डेट अपॉन इक्विटी, टोटल आपने 10 करोड़ रुपीस बोरो किया है डिबेंचर होल्डर्स का एंड शेयर होल्डर्स हैव कंट्रीब्यूटेड 15 करोड़, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2:3 और रिड्यूस करने पे आंसर क्या आ जाएगा चलन, 0.67:1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चलन 0.67:1 ये है एक्स लिमिटेड का आंसर, करेक्ट। वाई लिमिटेड के केस में क्या है सर, वाई लिमिटेड के केस में इट इज 15 करोड़ अपॉन 10 करोड़, प्लीज गेट मी द आंसर, 3:2 और यू कैन रिड्यूस इट एज 1.5:1, सो वाई लिमिटेड हैज बोरोड मोर मनी एंड लेस इज इन्वेस्टेड एज शेयर कैपिटल, वेर एज एक्स लिमिटेड में शेयर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और डेट का कम है, सो चिल्ड्रन एक्स लिमिटेड में डिबेंचर होल्डर्स हैव कंट्रीब्यूटेड लेस मनी एंड शेयर होल्डर्स हैव कंट्रीब्यूटेड मोर। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो आप बताइएगा बेटर क्या है, शेयर होल्डर्स का पैसा सफिशिएंट है डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए, यस और नो, चिल्ड्रन शेयर होल्डर्स मनी इज रूपी 1, डिबेंचर होल्डर इज 67 पैसे, इट इज सफिशिएंट इनफ टू पे डिबेंचर होल्डर्स और नॉट, चिल्ड्रन यस और नो, एक रुपए शेयर होल्डर्स का पैसा 67 पैसे के डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए सफिशिएंट इनफ है या नहीं। इन वाई लिमिटेड द लॉजिक इज डिबेंचर होल्डर्स ने 1.5 रुपए इन्वेस्ट किया है और शेयर होल्डर का 1 रुपए है, इज दिस 1 रुपी सफिशिएंट इनफ टू पे देम, नॉट एट ऑल। सो वाई लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशियो इज कंपेरेटिवली हाई एंड एक्स लिमिटेड का इट इज लो, विच वन वॉज बेटर चिल्ड्रेन, द लो और द हाई, सिंपल एज दैट। तो लो रेशियो इंडिकेट्स की डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट इजिली हो जाएगा, हाई रेशियो इंडिकेट्स कि इनका रिस्क ज्यादा है,
तो चिल्ड्रन प्लीज पुट दिस ऑल्सो, ताकि आपको समझ में आए हाई और लो रिस्क का मतलब क्या है. क्विकली लेट्स हैव दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन. सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप पहले सॉल्व कर चुके हैं. आपने इस क्वेश्चन का करंट रेशियो निकाला था, क्विक रेशियो निकाला था. वेरी सेम क्वेश्चन वील बी कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो. सो चिल्ड्रन डेट के केस में द कंटेंट दैट वील बी गेटिंग इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फॉलोड बाय अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. एंड इन केस ऑफ शेयर होल्डर फंड चिल्ड्रन वी हैव दीज थ्री आइटम्स. मिल गया सबको? So let's put the formula first. Debt equity ratio equals to, you can simply write, first and foremost children, you have to write what is called as debt upon equity. Thereafter, aapko is formula ko thoda expand karna padega. And you will put it as long-term borrowings upon shareholder funds. Yeah, long-term borrowings doesn't sound that much better क्योंकि इसमें element of confusion start हो जाता है. So you should write long-term debts. Thereafter, we'll fill up the items by name. And then we'll fill up the items by amount. Then we'll put the total. So the strategy and style of question, to aap samajh gaye honge kaise karna hai. So in case of long-term debts, we have long-term borrowings plus we have other long-term liabilities and we have long-term provisions. Share capital plus reserves and surplus plus money received against share warrant. Putting in the values. Numerator section we have 4 lakhs. Comma zarur use kariyega. Plus 40,000. Plus 60,000. And denominator section we have 12 lakhs plus 2 lakhs plus 1 lakh. So numerator figure would be 5 lakh? Yes, sir. Denominator would be 15. 15 lakhs. Five upon 15 works out to be 1/3, which can further be reduced as 0.33 is to 1. So we have more contribution from the shareholders and less from the debenture holders. So it's safe or risky? Sir, kyun aap aisa bata rahe hain? Because many a times question aapse bolega comment on the ratio. Question puchega aapse bolega comment upon the ratio. तो आपको सिग्निफिकेंस ही लिखना पड़ेगा व्हेन इट इज सेट कमेंट. कुछ लोग बोलेंगे सर कमेंट के लिए आएगा, लाइक के लिए नहीं आएगा, तो अंगूठा लगा के चले आए बस. इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं है, अकाउंटेंसी है. समझ में आ गई बात? क्विकली कंप्लीट.